बड़ी खबर आपको दे दें, कल हुई हिंसा के दौरान जिन अफसरों ने ढिलाई बरती और गोली नहीं चलाई उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको दे दें, जिन अधिकारियों ने ढिलाई बरती उन पर कार्रवाई होगी, जिन अधिकारियों ने गोली नहीं चलवाई उन पर कार्रवाई होगी। कल आपको बता दें, हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि अगर गोली चलाने की जरूरत हो तो चलाएं और जिन अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया उन पर कार्रवाई होगी। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, और क्या ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए एक और जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि जब कल ये हिंसा हुई है उसके बाद जब गाड़ियों की तलाशी ली गई है तो साफ तौर पर पुलिस का ये कहना है कि डेरी की गाड़ी से पुलिस को AK-47 या AK-47 दो राइफल और एक पिस्टल बरामद की है पुलिस ने उस गाड़ी से। इतना ही नहीं, इसके बाद जब हमने ये सवाल पूछा उनसे कि जब राम रहीम को हेलीकॉप्टर से रोहतक जेल भेजा गया था तब उनके साथ एक महिला बैठी हुई दिखाई दे रही थी, तस्वीर नजर आ रही थी, वो कौन थी, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो महिला उनकी बेटी थी। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि आखिरकार वो उनके साथ कैसे चली गई, तब इस पर उनका ये कहना था कि उन्हें नहीं पता, उसकी जांच की जा रही है। जी जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर कि जिन अधिकारियों ने कल ढिलाई बरती उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट की तरफ से कहा था कि हालात अगर बेकाबू होते हैं और ऐसे हालात बनते हैं कि गोली चलानी पड़े तो चलाइए, लेकिन जिन अधिकारियों ने ढिलाई बरती उन पर कार्रवाई होगी। कल हुई हिंसा में 31 लोगों की जान चली गई थी, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ और ऐसे में ये बात सामने आई है कि कुछ अधिकारियों ने ढिलाई बरती और जो अधिकारी जिन्होंने ढिलाई बरती है उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। जिन अधिकारियों ने गोली नहीं चलाई उपद्रवियों पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। कल डेरा समर्थक, राम रहीम के समर्थक किस तरह उत्पात मचा रहे थे वो हमने देखा था। 31 लोगों की जान चली गई थी और इस सब के बीच जो लोग मारे गए वो सभी डेरा के ही समर्थक हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस हिंसा में जो लोग मारे गए हैं वो सभी डेरा के समर्थक ही थे। 31 लोगों की जान चली गई, कई राज्यों में दहशत का माहौल देखने को मिला और जो लोग मारे गए, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि वो सभी डेरा के ही समर्थक थे, बाबा राम रहीम के ही समर्थक थे। जो कल का घटनाक्रम था उसमें चाहे जो डेड हैं चाहे जो इंजर्ड हैं उनमें अभी तक की जो जानकारी है उसमें एक भी लोकल व्यक्ति नहीं उनमें पाया गया है और जितने भी लोग थे ये वो लोग थे जो कि बाहर से आए हुए थे और जो अपने आप को डेरा समर्थक बताते थे और जो स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई उसमें जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती थी और जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश थे स्ट्रिक्टली उसके तहत पुलिस के द्वारा और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा कार्रवाई की गई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।